पश्चिमी मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में मिशन क्लीन ऑपरेशन तेज गति से प्रत्येक शहरों एवं कस्बों में चल रहा है, लेकिन मेघनगर मिशन क्लीन ऑपरेशन प्रारंभ होने से पहले भू माफियाओं को सेफ जोन में डालकर मिशन क्लीन ऑपरेशन को राजनीति की भेंट चढ़ा दिया गया है। यहां के छोटे गुमटी चाय सब्जी और ठेला व्यापारियों को मोनादी कराकर जमीन से हटने के नोटिस थमा दिए गए हैं, जिसके बाद से छोटे व्यापारी दो वक्त की रोजी रोटी जुटाने में परेशान हो रहे हैं। वहीं सरकारी जमीन पर बड़े भू माफिया कुंडली मारकर तांडव करने से बाज नहीं आ रहे हैं। अब नगर परिषद का 3 करोड़ से भी अधिक लागत का आदर्श रोड भी सवालों के घेरे में आ गया है। मध्य प्रदेश सरकार की मंशा के अनुसार मिशन क्लीन मेघनगर में चूहे बिल्ली का खेल नजर आ रहा है। यहाँ पर भूमाफिया एवं राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण प्रशासन अपनी कार्रवाई करने से लगातार पीछे हटता दिखाई दे रहा है। वहीं छोटे व्यापारियों का कहना है कि हमें हर 2 साल में अतिक्रमण के नाम पर परेशान किया जाता है। राजनीति के नाम पर वोट लेकर सभी राजनेता अपना घर भरते हैं। अरे ये तो क्या है कि छोटों को परेशान किया जा रहा है और बड़े अपनी जगह वह जहाँ है वहीं काबिज है। छोटों को हटाया जा रहा है और बड़े अपनी जगह काबिज में। दिन भर का यही है सर कि 150 से 200 रुपये कमाते हैं और मेरी दुकान 22 साल पुरानी है सर। तो 22 साल से हम डिमांड भी करते आ रहे हैं, जब पंचायत थी पंचायत के टाइम से डिमांड करते आ रहे हैं कि हमें या तो स्थायी की जाए। तो आज तक हमारी सुनवाई वहाँ से भी नहीं हुई ना हमारे को जब जगह जब ये 18वीं बार है हमारे को हटाया जा रहा है। सरकार से हम एक ही मांग करते हैं कि सर हमें स्थायी किया जाए। ये सर मेरे को है ना बिल्कुल मेरा घर बार कुछ भी नहीं है सर, मेरे को मैं किसके सहारे पड़ी रहूँगा। मेरा है ना कमाने वाला मेरा विकलांग है सर और मेरे को है ना कमा के वही खलरान इसी में गुजारा चलाती हूँ सर। बच्चे को भी इसी में पालती हूँ और मैं है ना मतलब इसी में गुजारा चलाती हूँ। मेरा कोई भी नहीं आगे पीछे, ना बेटा है और ना बेटी है, दोनों पति पत्नी रहते हैं सर और पति भी विकलांग है और ये इस जगह में रहती हूँ, बार बार मेरा तोड़ लेते हैं और मैं कहाँ जाऊँगा, मेरी सुविधा आप करके दो। मेरे को सर ये चाहिए कि मेरे को रोजगार चाहिए, मतलब मैं कमा के खा सकती हूँ और मेरे को रहने के लिए जगह चाहिए बिल्कुल, बाकी मेरे को क्या है। तो सर है ना इस तरह जगह दे दो मेरे को, कितने तो मैं हाथ में कर दूँगा। मतलब सर मेरे को एक ही सहारा है मेरे को, बस मेरे को कितने मरना का पड़ेगा और नहीं तो मेरे को इस तरह जगह दे दो बिल्कुल रहने के लिए मेरे को। आदर्श रोड में झाबुआ चौराहे से रेलवे स्टेशन तक का जो मार्ग बनना है उसकी लंबाई लगभग 350 मीटर है। इसमें 200 मीटर तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, जो प्लानिंग है उस हिसाब से बन सकती है। बीच का पोर्शन में कुछ निजी मकान आ रहे हैं, तो कल परिषद के लोग अध्यक्ष महोदय और माननीय विधायक महोदय के समक्ष चर्चा में तय हुआ कि जो उस पोर्शन में जो नाली बनी हुई है उसी को सड़क की हद मानते हुए नाली की सीमा के अंदर ही अपना निर्माण करना है। तो स्वाभाविक है कि वहाँ पर फुटपाथ का निर्माण नहीं हो पाएगा, उसी हिसाब से प्लानिंग में संशोधन किया जाएगा। प्लानिंग में लगभग 36 फीट का मेन कंक्रीट का ट्रैक बनेगा और दोनों साइड 4-4 फीट के फुटपाथ हैं जिनके नीचे नाली रहेगी। ट्रैक जो बनेगा वो ब्रिज जो रहना चाहिए 44 फीट की इसमें ली है। जैन मंदिर से जो पुरानी बस्ती पुराने मकानों का जो बीच का पोर्शन आता है उसमें लगभग 5-5 फीट दोनों साइड मकानों में की हद में जाता है रास्ता। तो कल जो डिसाइड हुआ है उस हिसाब से जो नालियाँ बनी हुई हैं उन्हें ही सड़क की हद माना जाना है, उसी हिसाब से प्लानिंग में कुछ संशोधन करना होगा। ये जो विशेष अभियान के तहत जो अतिक्रमण जो हटाया जा रहा है उसमें नगर परिषद ने जो है CMO ने कुछ अतिक्रमण चिन्हित किए हैं, उसकी हमने तैयारी कर ली है। चूने की लाइन वगैरह डलवा रहे हैं और जो उसमें अतिक्रम की सेवा में आ रहे हैं उनको नोटिस दिए जा रहे हैं और उनकी दस्तावेज की जांच होगी, उसके पश्चात जो अतिक्रम पाया जाएगा उसके हटा दिए। अभी ये बात सही है कि उन्हें परिवार थाना कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया है। हमने उनको यही कहा कि इसका मतलब मजबूती से उसका सामना करें, अपना पक्ष मजबूती से रखें जिससे कोई भी निजी पार्टी जो है
शासन की संपत्ति को इस तरीके से हथियाने की कोशिश न करें और उसमें जो भी होगा कड़ाई से हम उसका सामना करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। हमने जो है कल मीटिंग में मैंने ये कहा था कि ये केवल कार्रवाई जो है केवल जो गुमटी और जो गरीब तबके के लोग हैं वहीं तक सीमित न हो, हमारी कार्रवाई निष्पक्ष होनी चाहिए। इसमें जो हमारे अतिक्रमण सीमा में जो भी आएंगे उन सबको एक समान तरीके से कार्रवाई की जाए। मेघनगर में कार्रवाई को लेकर काफ़ी स्थिति, चूँकि पहले मुनादी कराई गई थी तो कुछ लोगों ने स्वेच्छा से हटा लिए हैं, कुछ लोगों को अभी भी मन में ये कि कार्रवाई नहीं होगी तो अभी रुके हुए हैं, लेकिन शासन तत्पर है कि ये कार्रवाई होगी। और जिस तरीके से कल जो सामूहिक मीटिंग हुई है विधायक महोदय के नेतृत्व में, SDM सर, तहसीलदार साहब, हम नगर परिषद के सारे पार्षद अध्यक्ष एक ग्रुप होकर एक मीटिंग ज्वाइंट की गई कि हमको किस तरीके से इस मुहिम को लेना है। तो पहले तो शासन का ये कहना था कि सरकारी ज़मीन पर जो अतिक्रमण है पहले उसको हटाया जाए, तो उसी कड़ी में आदर्श सड़क को लेकर जो एक लाइन डाली गई थी, तो जो उस सड़क के जो चुना लाइन डाली उसके लाइन डालने के बाद एक्चुअल स्थिति पता चली कि कुछ लोग के घर में अंदर तक जा रहा है। लेकिन उसके बाद फिर जब ज्वाइंट मीटिंग हुई तो उसमें निर्णय लिया गया है कि जो दोनों साइड नाली है रोड के उसको आदर्श मानते हुए उस नाली के बीच बीच में जितना अतिक्रमण आ रहा है उसको हटाया जाए। निस्संदेह यह प्रशासनिक कार्रवाई है, इस संबंध में कोई दो राय नहीं कि राजनीतिक कार्रवाई है। सरसी भाई को लेकर भी मीटिंग में काफ़ी डिस्कस हुआ, क्योंकि अभी न्यायालय में प्रकरण है तो 3 तारीख के बाद इस मामले को पूरा क्लियर कर दिया जाएगा। और अभी की स्थिति में ये है कि परिषद की मीटिंग अभी बुलाई गई है, संभवतः ये है कि कल मीटिंग होगी और उसमें इस सरसी भाई को लेकर निर्णय लिया जाएगा कि इसमें जो दुकानें हैं उसको किस तरीके से व्यवस्थित किया जाएगा, किसी के पास ज़्यादा है तो उसको कम किया जाएगा और जिनके नाम पर दर्ज हैं और जो रिकॉर्ड के अनुसार जो भी है उसके हिसाब से उनको व्यवस्थित किया जाएगा। नहीं, लेकिन चूँकि न्यायालय का सिद्धांत है कि भाई प्रक्रिया न्यायालयीन प्रक्रिया होती है तो उसको एक व्यवस्थित तरीके से कर लिया जाए, उसके बाद जो भी निर्णय रहता है कि भाई न्यायालय जो भी निर्णय दे उस संबंध में फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। मिशन क्लीन को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि हमने जनप्रतिनिधियों के साथ बैठ करके विचार विमर्श कर लिया है, कई अतिक्रमणकारियों को चिन्हित करके नोटिस दे दिया गया है। आदर्श रोड का मापदंड जो है उस हिसाब से 200 मीटर के बाद जैन मंदिर से रेलवे स्टेशन के बीच हमें थोड़ी तकलीफ आ रही है, लेकिन उसका स्थायी समाधान जनप्रतिनिधियों के माध्यम से निकाल लिया है।